दोस्तों, हमारे देश में कलाकारों की कमी नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा जुगाड़ लगाने में सबसे आगे है। आज हम YouTube पर वीडियो देखकर कई अलग अलग नई चीज़ें सीखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसका फ़ायदा गलत तरीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्जाना उनको आगे जाकर चुकाना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कुछ लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी कलाकारी के चलते घर पर ही प्रिंटिंग मशीन की मदद से नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया। दोस्तों, इस लॉकडाउन के चलते हमने अपने घर पर रहकर अपने मोबाइल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है, आपने भी किया होगा। यहाँ कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फ़ोन से अपना मनोरंजन किया, वहीं कुछ लोगों ने इस मोबाइल का खाली समय में इस्तेमाल करके कुछ स्किल सीखना पसंद किया। वहीं हमारे देश के कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक है ब्रजेश मौर्या, जिन्होंने YouTube से नकली नोट छापने का तरीका सीखा था। ग्वालियर का रहने वाला ब्रजेश अनपढ़ है और नकली नोटों के गोरख धंधे से लखपति बनना चाहता था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर 5 महीनों में ही 8 लाख के नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई कर दिए। ब्रजेश ने YouTube चैनल के जरिए नकली नोट छापने के वीडियो देखे और उनके उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की। यह सब नोट छापने का धंधा ब्रजेश ने जयपुर में अपने एक दोस्त के साथ किराए के मकान लेकर उसमें शुरू किया था। अपने इस किराए के मकान पर थोड़े से नोट छापकर बाजार में चलाए। ये नोट असली नोटों से इतने मिलते थे कि कोई उन्हें पहचान ना सका। बस यहीं से ब्रजेश की हिम्मत बढ़ गई और उसने नकली नोट छापने का काम तेजी से शुरू कर दिया। वे सिर्फ 200 और 500 रुपए के नोट ही छापते थे। यह नोटों की डिलीवरी का काम ज्यादातर रात के वक्त ही करते थे। नकली नोट सप्लाई करने वाली गैंग से पहले डिमांड के एडवांस लेता था, फिर नकली नोट छापता था। वह 1 लाख रुपए के नकली नोट देने के लिए 40,000 रुपए के असली नोट वसूल करता था। डिमांड और डिलीवरी के लिए हमेशा मोबाइल फ़ोन पर बातचीत की बजाय सोशल मीडिया ऐप के जरिए ही ऑनलाइन कॉलिंग का उपयोग करता था, ताकि पकड़ा न जा सके। ऐसा ही एक कांड हम आपको बताते हैं जो कि जुड़ा है उत्तर प्रदेश से। यूपी के आगरा में पुलिस ने 100 रुपए के जाली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा किया है। उनके पास से पुलिस ने 100 रुपए के नकली नोट के 35,000 रुपए लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल बरामद किए हैं। यह लोग 10 रुपए के स्टाम्प पेपर की कटिंग करके स्कैनर और प्रिंटर की मदद से 100 रुपए के 3 नोट बनाते थे और इन पर बड़ी सफाई से चांदी का धागा लगाते थे और यह सिर्फ 100 रुपए का नकली नोट छापते थे। एक गड्डी 10,000 रुपए की होती थी, जिसे तैयार करने में 450 रुपए का खर्चा आता था और एक नोट को बनाने में सिर्फ 8 रुपए का खर्चा आता था और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। सिर्फ 5 मिनट में नोट बनकर तैयार हो जाते थे। सबसे खास बात तो यह है कि इस गिरोह का सरगना सिर्फ 5वीं पास है। यह 10,000 रुपए की एक गड्डी शराब के ठेकों पर सेल्समैन को 5,000 रुपए में देते थे। सेल्समैन नशे में धुत लोगों को बड़ी आसानी से नकली नोट थमा देते थे और 100 रुपए के नोट को कोई चेक भी नहीं करता था। इसमें सेल्समैन को एक बड़ी गड्डी पर सीधा 5,000 रुपए का फायदा होता था। ऐसे ही कई नकली नोट छापने के कांड मौजूद है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया का काला धंधा ज्यादा समय तक नहीं चलता। काले धन पर लगाम लगाने के लिए साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी और नए नोट जारी किए थे। इसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि मार्केट में जाली नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन शातिर अपराधियों ने नए रुपयों के भी जाली नोट भी तैयार कर दिए। ये जाली नोट हुबहू असली रुपयों की तरह लगते हैं। अगर इन्हें ध्यान से न देखा जाए तो कोई भी धोखा खा सकता है। ऐसे में आपके पास जब भी 500 के नोट आए तो उन्हें तुरंत ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। हालांकि इन असली और नकली नोटों में इतना बारीक फर्क होता है कि इसे आसानी से पहचानना आम आदमी के लिए काफी मुश्किल होता है। अगर आप 500 रुपए के नोट को लाइट के सामने रखेंगे तो खास जगहों पर 500 लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप 500 रुपए के नोट को हल्का मोड़ेंगे तो सिक्योरिटी थीड का रंग हरे से नीले कलर में बदलता हुआ नजर आएगा। 500 रुपए के नोट पर उसकी छपाई का साल लिखा रहता है। स्लोगन के साथ ही स्वच्छ भारत का लोगो प्रिंट रहता है। सेंटर की तरफ लैंग्वेज पैनल है और भारतीय ध्वज के साथ लाल किले की प्रिंटिंग प्रिंट की गई है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में 500 रुपए प्रिंट किया गया है। अगर आपको किसी 500 रुपए के नोट में
इनमें से एक भी चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब आपको नोट जाली हो सकता है। दोस्तों देखा आप लोगों ने कि कैसे ये लोग कितनी शातिर तरीके से नकली नोट छापने का धंधा शुरू करते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी और भी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।